Hey, it's me, Sneha Gupta. As we all know that today is National Youth Day, which is also known as Swami Vivekananda Jayanti. In 1984, the government of India, the 12th January, has declared the National Youth Day. So in this auspicious day, I would like to share a few schemes which is related to the youth skill. The first one is the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and the second one is the Entrepreneurship Skill Development Program, and the third one is Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Vikas Yojana. कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनका शुरू से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था और बाद में वे एक भारतीय भिक्षु बन गए। वह 19वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। वे पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पेश करने में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने और 1900 शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने का भी श्रेय दिया जाता है। वह भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख शक्ति थे और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा में उन्होंने बहुत सा योगदान दिया है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्हें शायद उनके भाषण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो अमेरिका की बहनों और भाइयों शब्दों से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सरसद में दिया था। उनका मानना था कि सभी जीवित प्राणी ईश्वरीय आत्मा के अवतार थे, इसलिए मानव जाति की सेवा करके ईश्वर की सेवा की जा सकती है। उन्होंने सैकड़ों सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों और कक्षाएं आयोजित की। उन्हें वेदांत को इस प्रकार सारांशित किया, इसे एक आधुनिक और सार्वभौमिक व्याख्या दी। प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। लक्ष्य बाहरी और आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करने की एक दिव्यता के भीतर प्रकट करना है। इसे या तो कार्य के द्वारा या पूजा के द्वारा या मानसिक अनुशासन के द्वारा या दर्शन के द्वारा, एक के द्वारा या अधिक के द्वारा या इन सभी के द्वारा करो और मुक्त हो जाओ। यही संपूर्ण धर्म है। सिद्धांत या हठधर्मिता या अनुष्ठान या किताबें या मंदिर या रूप, यह सभी गौण विषय हैं। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त संत माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके शिष्यों के अनुसार विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि प्राप्त की। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रही हूँ। पहला, शिकागो के धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण को 130 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी उसकी चर्चा होती है। दूसरा, 39 साल के अल्प जीवन में उन्होंने 31 बीमारियों का सामना किया था। डायबिटीज़, लिवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन जैसी अन्य बीमारियां शामिल थी। उनके मठ में महिलाओं का आना निषेध था, यहाँ तक उनकी माता भी नहीं आती थी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नरेंद्रनाथ दत्त जी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके जगत विख्यात किस्सों में उनके आदर्श परिपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। स्वामी जी का मानना है कि हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। उनके अनुसार हमें उनसे नफरत नहीं करना चाहिए जो हमसे प्रेम करते हैं, और हमें हम पर विश्वास करने वालों को धोखा नहीं देना चाहिए। उनके अनुसार अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, और अगर आप अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।